नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आयुष्मान आपको स्वागत करते हैं लाइव टू एक्सप्लोर में। आज श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। आज एक्चुअली संडे है और भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगा, तो देखते हैं कैसा होता है। मम्मी पापा को लेकर जा रहे हैं, साथ में जाएंगे। और आज वैसे फूड का थोड़ा ट्राई करेंगे, फूड का जितना हो सकेगा, खास करके जो अभड़ा रहता है हमारा महाप्रसाद श्री जगन्नाथपुरी का, क्योंकि वो अंदर हम जब खाते हैं ना, वो आपको दिखा नहीं पाते क्या क्या मिलता है। तो हमारा ऐसा प्लान है कि हम अंदर नहीं खाएंगे, वो प्रसाद को लेके आएंगे बाहर, वो जो मिट्टी के बर्तन में सब रहता है ना, तो वो पूरा का पूरा सेट लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या रहता है प्रसाद में। उससे पहले ब्रेकफास्ट में क्या है, हम एक्चुअली इधर जाएंगे, ब्रेकफास्ट लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि इधर ब्रेकफास्ट कितना ज़बरदस्त मिलता है। जनरली पूरी के साथ आपने सब्जी देखा रहेगा, मैं आज आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ मिलता है हमारा इधर खाने का। अब कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे, हाँ वो मीडियम भी दिखाएंगे। चलो ठीक है, ओके। आयुष्मान यही मीडियम का बात कर रहा था, जब से आए साइकिल के पीछे पड़ा है, जिधर भी जाना है साइकिल में ही जाना है। ठीक है, चलो तो बैठ के पकड़। ठीक है, ଶୁଣ, ପୁରୀ ଉପମା ତିନି ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଇଡ଼ଲି ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା, ଇଡ଼ଲିଟା ପଲିଥିନ୍ରେ ଦେଇଦେବ, ଆଠଟା ଇଡ଼ଲି ହେଲା, ତରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେବ। हम ब्रेकफास्ट लेके आए और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है ब्रेकफास्ट में। वैसे पसीना देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा इधर ह्यूमिडिटी है। आने के बाद हम नहा धो के रेडी हुए, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ हमको मिला है। हमारा इधर का जो पॉपुलर कॉम्बिनेशन है ना, पूरी के साथ उपमा, ठीक है, पूरी के साथ उपमा और उसके साथ इतना सारा चीज़ मिलता है। ये एक देखो, पनीर के साथ कुछ तो एक खुरमा टाइप बनाया है। फिर ये पॉपुलर है चौना आलू तरकारी बोलते हैं जनरली, ये जो वाइट मटर है, वाइट मटर के साथ आलू का कॉम्बिनेशन का ये करी है। फिर ये सांभर है, सांभर लेकिन ये थोड़ा हाइब्रिड टाइप रहेगा, टमाटर वमाटर डाल के ये अलग टाइप का थोड़ा बनाते हैं। और ये मिक्स वेज है, मूली बाकी अलग अलग रोब बीन्स ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन का एक और करी है। ये आलू वालू सब, आलू तो कॉमन है, हर जगह डालते हैं। फिर ये कोकोनट और पीनट का चटनी, और ये पूरा ग्रेवी वाला पोटैटो, ग्रेवी तो नहीं मतलब सूखा टाइप ड्राई पोटैटो है। इसमें भी एक दो पनीर दिख रहा है मुझे, तो ये सारे कॉम्बिनेशन है। और ये जो इधर ब्रेकफास्ट है ना, वो जे लाइक 30 रुपीज़ पर प्लेट, मतलब ये सारे चीज़ आपको दिख रहा है 150 रुपीज़, इतना इधर रहता है। मतलब फूड मतलब ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत सारा ऑप्शन के साथ ऐसा इधर फूड मिलता है। इसलिए जो बोलते हैं ना पूरी के साथ सिर्फ सब्जी वाला, इधर वो ऐसा पूरी के साथ आलू वाला सब्जी इधर देंगे तो बोलेंगे लोग यार उसके साथ क्या है ऐसा कॉम्बिनेशन, बाकी का चीज़ क्या है। तो इधर ऐसा चलता है, ये सब कॉम्बिनेशन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रहता है। और आपको अगर लगता है एक पर्टिकुलर शॉप ऐसा नहीं है, आप हमारा ब्रह्मपुर के ऑलमोस्ट उड़ीसा में मिलेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो वही है, मेरा होम टाउन का ही रहेगा, राइट। तो ब्रह्मपुर में आप किधर भी किसी को भी पूछो, कोई भी गली में आपको ऐसा टाइप सारे कॉम्बिनेशन के साथ ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर शॉप है, ओब्वियसली हमारा टाउन में भी बहुत स्पेशलिटी है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा शॉप में लेके आया, मेरा घर के पास एक नॉर्मल सा दुकान से लेके आया तो इतना मिला। तो वही है, आप अगर बाई एनी चांस NH16 से ब्रह्मपुर होके क्रॉस कर रहे हो सुबह सुबह, तो ये वाला चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, मानी एंड मेरा जो मदर है, हम बहू बुलाते हैं, तो बहू और मानी उन दोनों का ये है आज बिना प्याज लहसुन वाला दिन है, तो वो तो सिर्फ इडली के साथ चीनी या दूध ऐसा कुछ खाएंगे। बाकी पापा, मैं और आयुष्मान ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर स्टार्ट आवर जर्नी 170 ऐसा कुछ किलोमीटर या 150 पता नहीं उतना रहेगा, 3-4 घंटे का जर्नी रहेगा। चलते हैं, ये फाइनल टचअप चल रहा है।
फिर क्या भाई साहब मेरे सीट से उड़ जा तू। आयुष्मान बस बस जस्ट वेट कर रहा है कब 18 इयर्स होगा उसको लाइसेंस मिलेगा फिर उसका ड्यूटी संभाल लेगा वो। आयुष्मान आगे पीछे होगा थोड़ा और क्या। अभी तक मेरा मम्मी बोले ना वो जो पहले वाला इको था ना वही बेटर था उधर घुसने में बैठने में खुला खुला वही बेटर है ये वाला ठीक है लेकिन उससे बेटर नहीं करके क्योंकि उसमें बोलते हैं इधर सब कुछ ठीक है लेकिन ऐसा सोने के लिए सो के जाने के लिए नहीं है। एनीवे चलो हमारा 165 किलोमीटर 3 hours 45 minutes दिखा रहा है 9 बज रहा है पहुँचते पहुँचते 1 o'clock ऑलमोस्ट हो जाएगा। हम लेट निकल रहे हैं क्योंकि आराम से जाएंगे उधर अवड़ा जो महाप्रसाद होता है ना वो निकलने के लिए टाइम होता है 3:30 के बाद ही वो अवेलेबल होता है तो बहुत जल्दी जाके भी कोई ये नहीं है क्योंकि उधर हमको वेट करना पड़ेगा। वैसे भी लास्ट टाइम ऐसे हुआ था हम पहुँच गए दर्शन कर लिए फिर हमको 2 hours 2.5 hours वेट करना पड़ा था तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट निकले। जय जगन्नाथ। राइट साइड में आपको दिख रहा है चिल्ली का लेक और मैं पकड़ के बैठा हूं कैमरा। हां वही दिख रहा है लोगों को। तू जो कैमरा लेके बैठा है ना उसका ही व्यू आ रहा है। को देसी वाला कंटोला दिखाना तो इधर से ले रहे हैं क्योंकि इधर भी थोड़ा मिलना बहुत रेयर है खास करके देसी कंटोला। ये आपको दिखाता हूँ मैं ये भिड़ी करिए डेढ़ा एडा देसी कंटोला है ये छोटा छोटा पूरा छोटा साइज का और ये जो नॉर्मली हमारा सिटी में मिलता है ना बड़ा वाला ये है ये लेके आए क्योंकि इधर भी हमारा गांव में मिलना मुश्किल हो जाता है देसी वाला। और ये वाला जो है 150 रुपया किलो वो वाला जो है 40 रुपया किलो जो 40 रुपये में मिल रहा है उधर बेंगलुरु में 40 रुपये वाला चीज़ ही 160 में हम लेके आ रहे हैं ये तो मिलता ही नहीं है ये छोटा वाला मिलता नहीं है हमको। क्या मान क्या कर रहे तू नहीं इधर पीछे डाल दे रख दिया हाँ केजरी डाल दे 150 बहुत मैंने फ्रेश अच्छे एवं तोड़ी आँचन ये लोकल मार्केट ये देखो ये बचपन में किसी को याद है क्या ऐसा खेलने वाला लकड़ी में बनता है ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है पूरा लोकल मार्केट है ये मच्छी पकड़ने के लिए देखो फिश हाँ फिश ट्रैप है ना घड़ी बोलते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम और कुछ 4-5 किलोमीटर रहेगा तो ऑन द वे बाटा मंगला टेम्पल आता है तो उधर जाके हम दर्शन करके पहले आ जाते हैं फिर इधर से पार्किंग कुछ 4-5 किलोमीटर शायद दिखा रहा था। इधर भीड़ देख के ना लग रहा है कि श्री जगन्नाथ टेम्पल में बहुत ज़्यादा रहेगा आज लाइन दर्शन करने में टाइम लग सकता है आज।
पहुंच गए हम पार्किंग पे, बहुत बड़ा पार्किंग है वैसे, पार्किंग मिलना मुश्किल रहता है लेकिन मिल गया हमको। अभी जाएंगे दर्शन करके आएंगे, टाइम हो रहा है कुछ 1 o'clock। हम वैसे 3 hours 30 minutes हमको लगा, 12:30 को पहुंच गए, लेकिन हम वो मंदिर होके आए ना बाटा मंगला माँ का दर्शन करके, तो अभी जाते हैं दर्शन करके आते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, भीड़ हो सकता है। 1 बज रहा है, देखते हैं कब तक रिटर्न करते हैं। चलो दर्शन करने के बाद मिलते हैं श्री जगन्नाथ जी का। आपको भी दर्शन करना है तो पूरी आइए, मंदिर जाइए, श्री मंदिर में दर्शन करके आए, और अभड़ा मिस मत करना। हम कोशिश करेंगे अभड़ा लेके आके आपको दिखाने के लिए, देखते हैं कितना तक हो पाता है, डिपेंडिंग अपन कितना क्यू है, कितना अवेलेबल है, कब मिलता है वो सब। ठीक है, चलो चलो यजमान, चलो लाइन में रहने के लिए अभी तैयार। ये बोल रहा था ना अभी ये एक्चुअली दर्शन करने के लिए ना टाइम है अभी, और उधर लाइन भी लगना पड़ेगा, और मम्मी पापा है हमारे साथ में, बहुत भूख लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ऑर्डर कर लिए। ये बिना प्याज लहसुन वाला ही है सब कुछ। होटल का नाम आ रहा होगा नीचे, मंदिर से जस्ट एंट्री करने से पहले ही है, बहुत बढ़िया खाना देता है, थाली हमारा उड़िया थाली, बहुत सारा ऑप्शन है। पटिक पुटलो पुटल का परवल का है, हाँ, और ये मिक्स वेज है, ये पनीर, ये दाल, हाँ दाल, ये खट्टा 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 है, सलाद, किरी किरी, हाँ राइस, ये हाँ राइस, दो टाइप का राइस है, और ये बहुत बढ़िया है। तो खाके ही जाएंगे क्योंकि पता नहीं कितना लेट होगा, राइट, हमको नहीं आइडिया है, इसलिए खाके चले जाएंगे। तो तभी जितना भी लेट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। हम दर्शन करके आ गए, हमको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, लाइन वाइन रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम पहुँचे मंदिर के आसपास पहुँचे और पूरा वेदर चेंज हो गया, पूरा क्लाउडी हो गया, पूरा मतलब धूप 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 कहाँ गायब हो गया, और ठंडी हवा चलने लग गया ना, मस्त रहा। और ऐसा कुछ लाइन वाइन तो था नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, लास्ट टाइम में जो आई थी जितना भीड़ था, अभी भी उतना ही भीड़ है। हाँ, ज्यादा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज संडे है, बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा, इतना नहीं, उतना नहीं है। और हम वैसे लाइन में किधर तो नहीं आए, ऐसे आराम से दर्शन हुआ, और जितने बार भी मैं आया सबसे अच्छा दर्शन यही टाइम पे हुआ, क्योंकि उधर मैं आधा घंटे तक था, आधा घंटे तक दर्शन ही कर रहा था, उधर ही भगवान के सामने ही था, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आयुष्मान का कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और आयुष्मान का तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है बताए, मतलब जनरली ये मंदिर वंदिर जाता है ना तो थोड़ा सा ऑब्वियसली बच्चे लोग बोर होते हैं भीड़ भाड़ देख के। अभी जाके आया, आने के बाद 15 मिनट के बाद बोलते हैं चलो फिर से जाते हैं दर्शन करने के लिए, बताओ। नहीं, वो जो पुजारी जी थे उन्होंने बोल दिया कि वो थोड़ा पास में, हाँ पास में जाएंगे, तो और पास में जाके देखने को इसको मन था। फिर भी यार इतना भीड़ में फिर से जाने की डिमांड करना थोड़ा अजीब रहता है बच्चों के लिए, बट इट इज रियली। हम 3-4 बार जाके आए थे, नहीं बाहर आ रहे थे, और मम्मी पापा का भी अच्छे से दर्शन कर लो ना भला रे, बहुत बढ़िया दर्शन। और सीधा हम आगे बीच पे, क्योंकि पूरी सैंड कैसल कितना बड़ा है, हाँ सैंड कैसल कर रहे हैं लोग, बच्चे लोग, और ऑब्वियसली हम पूरी आए हैं तो बीच में तो थोड़ा घूमना है, इधर घूमेंगे। और जैसे कि आपको बताया था हमने अभड़ा लेके आए हैं, महाप्रसाद जो है वो पूरा मिट्टी के बर्तन में जैसा रहता है, सारे जो जो चीज लेके आए हैं बोलते हैं कुड़ुआ, 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 अभड़ा, कुड़ुआ, तो वही चीज हम मतलब आप लोगों से शेयर करेंगे। कुड़ुआ के अंदर रहता है, कुड़ुआ बोलते हैं हम ओडिया में। अच्छा अच्छा, कुड़ुमा कुड़ुमा कुड़ुमा, ओके। तो वो दिखाएंगे आपको क्या क्या लेके आए, क्या क्या आइटम है, कैसा है सारे चीज, बहुत सारे चीज है। हाँ, 56 भोग, 56 भोग, भोग बोलते हैं ना, लेकिन हम जितना लेकर आ पाए आ पाए। हमारे जो बोले ना श्री जगन्नाथ जी थोड़ा खाने वाले हैं उससे हम आगे, वो भी हमारा
साइज देखकर पता चल जाएगा। तो इधर थोड़ा घूमते हैं फिर आपको दिखाते हैं, प्रसाद दिखाते हैं आपको। काफी भीड़ है आयुष्मान, ये बीच जैसा फील होता है पूरी ऐसे आने से। और हम तो आपको देखा था कि ब्लू फ्लैग बीच हम जाके आए थे। ब्लू फ्लैग बीच वैसे इतना भीड़ नहीं है, वो एकदम नीट एंड क्लीन, कोई वेंडर नहीं है, कोई नहीं है, वो एक फॉरेन टाइप बीच जैसा लगता है। वो माहौल फील नहीं होता, फील नहीं आता है, वो इंडिया वाला फील नहीं आता है हमको। यही बीच में फील आता है, लास्ट टाइम गए थे मज़ा था वो, बट जो होता है ना वो फील नहीं आया उधर। तो ये यही जगह पे फील आता है, जब भीड़ भाड़ नहीं दिखेगा ना मज़ा नहीं आएगा, और वेंडर लोग ऐसा सब दिखना चाहिए बीच में। वैसी पानी जाना है इसमें गाड़ी होता है जो। आयुष्मान तो ऑलमोस्ट, ये देखो ये क्या हालत है उसका, आधा गीला हो गया। आयुष्मान देख तू, ये अभी इधर हम होटल में नहीं रुक रहे हैं ना, जाना पड़ेगा। वैसे इसका ड्रेस लेके आए थे, हाँ ड्रेस लेके जानबूझ कर लेके आए, क्योंकि बीच में आएगा ना ये ऐसा ही कुछ हरकत करेगा जो कि गीला होगा। बीच में आओ, जिधर भी जाओ एक्स्ट्रा दो पेज तो ड्रेस रहता ही है। वैसे आज रुकने वाले नहीं है क्योंकि कल मंडे है, कल ऑफिस का काम होगा, नहीं तो रुक जाते। चलो फिर निकलते हैं इधर से, सीधा घर पे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं महाप्रसाद और भड़ा। आ गए हम वापस, आने के टाइम पे शुरू हो गया बारिश, पूरा रास्ता भर बारिश हो रहा है। हाईवे के साइड पे पानी वानी भी था, लाइट भी आ रहा था, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। माता भी, अरे इतना सारा पूरा रास्ता भर उधर, तो वो जो खास करके जगन्नाथ सड़क करके है उधर तो था ही था, हाईवे में ही था। एनीवे पहुंच गए सेफली घर पे, बहुत ही शानदार ट्रिप रहा, ऐसा दर्शन भी हार्डली मिलता है इतना टाइम तक, बहुत ही बेहतरीन रहा। और एज मैंने कमिट किया था महाप्रसाद जो है अभड़ा हमारा श्री जगन्नाथपुरी का चार धाम में से एक, तो आप समझ सकते हो कि इसका जो प्रसाद है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक साल के बाद हमको खाने को मिलेगा, मानी एक्सप्लेन करेगी महाप्रसाद। ये हमारा मेन अर्न है, राइस। हाँ। ये डालमा मूंग दाल से और सारे वेजिटेबल डाल के डालमा ठीक वाला। ये मोहूर खट्टा टाइप का, कोई कोई वेजिटेबल डाला है उसके साथ तामरिन पेस्ट में और गुड़ के साथ। ये बेसर मस्टर्ड पेस्ट में, मस्टर्ड पेस्ट विद ऑल वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स। और ये स्वीट दाल है, मीठा डाली। ये खिचड़ी है ना, खिचड़ी। हाँ मूंग दाल और राइस का खिचड़ी है ये। और ये साग, सागो घंटा, साग के साथ भी वेजिटेबल, वेजिटेबल है। ये पायसम खीरी, ये कनिका मीठा खिचड़ी, ये और फिर ये सब हमारा स्वीट खजा, ये भी महाप्रसाद है। महाप्रसाद भोग लग के आए हैं पूरा मेन, बहुत सारे है, सब स्वीट डिश है ये, सब कुछ स्वीट है। ये भी है, ये भी है, दो। ये पूरा भोग लगता है आप मतलब खरीद के, एक तो बाहर खरीद सकते हो, एक है आप मंदिर के अंदर ही खरीदो पूरा, वो पूरा श्राइन के पास श्री जगन्नाथ जी के पास और एक लक्ष्मी माता के पास, लक्ष्मी माता के पास वो जाके भोग लग के आता है, एक स्पेशल रहता है। और बस यही था। तो ये 56 भोग में से
56 आइटम में से थोड़ा सा हिस्सा। मम्मी पापा गए हैं फ्रेश होने के लिए, आयुष्मान भी होगा, ये देखो थोड़ा जय जगन्नाथ साथ में करेंगे करके उसको बुला लिया। सब फ्रेश होने के बाद फिर ये भोग प्रसाद लेंगे और मुझे लगता है ब्लॉग को आज यही एंड करेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।